नगर निगम द्वारा डेंगू और मलेरिया के लिए चलाया जा रहा अभियान कहीं न कहीं झूठ साबित हो रहा है, क्योंकि अब भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां साफ सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा ही हो रहा है। नगर निगम दुर्ग के द्वारा मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है और वार्डों में जाकर गड्ढों में भरे पानी, कूलर व अन्य स्थानों में पानी के जमाव को निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां काफी मात्रा में पानी का जमाव देखा जा रहा है। बारिश के पानी के अलावा घरों से निकलने वाला पानी भी नाली के ऊपर से बहकर सड़कों और घरों के आसपास एकत्रित हो रहा है, साथ ही नालियां भी गंदगी से भरी पड़ी है। ऐसे में मलेरिया व डेंगू के लिए निगम द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान व वार्डों में हो रही रोजाना सफाई की बात पर सवालिया निशान लग रहा है। नगर निगम दुर्ग द्वारा जो है मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं मच्छर उन्मूलन कार्य को देखते हुए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की कड़ी में जो है हम लोग घर घर जाकर लार्वा को चेक कर रहे हैं। किसी कूलर में जो है पानी एक हफ्ते से ऊपर रहता है तो वहाँ लार्वा पनपने की संभावना बनी रहती है। इसी दृष्टि को देखते हुए हम लोग जो है हमारी पूरी टीम घर घर जहाँ गमला है या कोई पानी की टंकी है उसमें कहीं लार्वा तो नहीं पनप रहा है उसको नष्ट करने की कार्रवाई और हमारे तरफ से स्प्रे पंप के माध्यम से जो है टेमीफॉस का छिड़काव आदि किया जा रहा है। घर घर जाके हम सर्वे करके लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि आप ये सब का पालन करें ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से का प्रकोप ना हो सके और आसपास के लोगों को भी समझाएं कि आप अपने घर में जो है पानी को सुरक्षित स्वच्छ पानी में ही जो है लार्वा होता है जिससे डेंगू की बीमारी फैलती है और जो है खतरनाक हो सकता है। मलेरिया जो है वो एडेस मच्छर के माध्यम से होता है, उसके लिए जो है हम लोग छिड़काव का कार्य नाली में भी कर रहे हैं और घर के परिसर आसपास सब जगह कर रहे हैं। नहीं, वार्ड 52 जो है वो अविकसित एरिया है, जो अनडेवलपमेंट है, लोगों के द्वारा जो है घर बना लिया गया है, कोई भी जमीन बेचा है उसे खरीद लिए है, उसके कारण जो है एक मकान बना है और 10 लोग के बाद जो है खाली प्लाट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहाँ रोड नहीं है, नाली नहीं है, तो पानी जो है ऐसे खाली मैदान में भरे रहता है। फिर भी नगर निगम जो है कच्ची नाली खुदाई करके उसका पानी निकासी का कार्य कर रहे हैं और जहाँ पानी जमा रहता है हम लोग उसमें जला ऑयल और मलेरिया ऑयल टेमीफॉस का छिड़काव भी करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।